किसान भाइयों नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल। आप जानते हैं कि खेत खजाना यूट्यूब चैनल आप लोगों के लिए लेटेस्ट जानकारियां, नवीनतम जानकारियां कृषि से संबंधित, कृषि व्यापार से संबंधित आपको उपलब्ध करवाता है। इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि आपके इस हाथ में, दाएं हाथ में जो रेड बटन है, जिसको हम सब्सक्राइबर का बटन कहते हैं, वो बटन दबा दीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को इसका लाभ पहुँच सके। तो आज हम जिस मुद्दे पर बात करने वाले हैं वो मुद्दा है कॉटन, नरमा कपास। नरमा कपास की फसल भारत में एक सरकारी जो भाषा है उसमें इसे कहते हैं व्यावसायिक फसल है और भारतीय किसान इसको सफ़ेद सोना कहता है, यानी नकदी की फसल है। और इस नकदी की फसल में क्या परिवर्तन आ रहा है, विशेष रूप से उत्तर भारत में, आपको जानकर के शायद हैरानी हो कि उत्तर भारत के तीन राज्य, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, ये तीन राज्य ऐसे हैं जिनमें कॉटन की खेती होती है। और इन तीनों राज्यों में हैरानी की बात यह है कि पिछले दो तीन सालों में, ज़्यादा से ज़्यादा पाँच सालों में, इस कॉटन की जो उत्पादकता है, उत्पादन है, इसकी जो खेती है वो निरंतर बढ़ रही है, बहुत अच्छे ढंग से बढ़ रही है। इसके पीछे क्या कारण है और इसका क्या असर रहने वाला है बाज़ार पर, इन सब बातों पर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और साथ साथ आपको बताएंगे कि अकेला गुजरात राज्य एक ऐसा है, सिर्फ गुजरात, जिसकी जो कॉटन की उत्पादन है, जिसमें जो नरमा की खेती होती है, वो हमारे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल तीनों को मिला दें, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान तीनों को मिला दें तो भी गुजरात आगे जाता है। गुजरात में ये खेती करीब करीब 22-23 लाख हेक्टेयर एरिया में होती है, जबकि राजस्थान, पंजाब और हरियाणा का कुल रकबा मिला दें तो भी 18 लाख के आसपास बैठ रहा है। और थोड़ा सा और पीछे दक्षिण की तरफ चलें तो महाराष्ट्र, महाराष्ट्र और तेलंगाना दो ऐसे राज्य हैं जहां सर्वाधिक, यानी 40 लाख हेक्टेयर के आसपास, महाराष्ट्र में 40-41 लाख हेक्टेयर कहना चाहिए और तेलंगाना में भी 25 लाख हेक्टेयर से अधिक के एरिया में खेती होती है, कपास की खेती होती है, नरमा की खेती होती है। पहली बार भारत में गुजरात राज्य ऐसा था जो बीटी लेकर के आए, ये 80 के जाते दशक की बात है, 90 आ रहा था और 80 का दशक जा रहा था, तब देश में कॉटन आया, बीटी कॉटन आया, बीटी नरमा जिसको हम कहते हैं, जिसे अमेरिकन कॉटन जिसको कहते हैं। और इस कॉटन ने भारत के किसान की दशा बदल दी। हालांकि इसके अपनी खूबियां हैं, अपनी अपनी कमियां हैं, ड्रॉबैक भी बहुत हैं, कमियां भी बहुत हैं इस बीटी में, बीमारियां बहुत आ रही हैं अब इस समय बीटी कॉटन में, काफ़ी सुधार भी हो रहा है, लेकिन सफ़ेद मच्छर के बाद जो पहले भारत, दक्षिण भारत में पिंक वार्म आता था, गुलाबी सुंडी आती थी, वो आजकल उत्तर भारत के कुछ इलाकों में, जैसे हरियाणा के जींद ज़िले के उचाना क्षेत्र में अभी कुछ दिन पहले ये सुंडी देखने को मिली है। हालांकि हमारे जो वैज्ञानिक लोग हैं, जो केंद्रीय कृषि, केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र संस्थान से जुड़े हुए, नागपुर का जो दूसरा उप सेंटर है, रिसर्च सेंटर है सिरसा में और दक्षिण भारत में, वो दोनों सेंटर्स के जो कृषि वैज्ञानिक है, कपास के वैज्ञानिक हैं, वो इस पर निरंतर रिसर्च कर रहे हैं, शोध कर रहे हैं और इनकी दवाओं का खोज कर रहे हैं ताकि इन पर इस गुलाबी और सफ़ेद सुंडी को मारा जा सके। बहरहाल हम बात कर रहे हैं हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की। तो किसान भाइयों, आपको बड़ी हैरानी होगी कि इस बार हरियाणा के साथ साथ पंजाब और राजस्थान, राजस्थान में पिछले 5 वर्षों के अंदर उसका जो क्षेत्र है, यानी कपास का जो रकबा है, वो लगभग डबल हो रहा है, दुगुना होता हुआ दिखाई दे रहा है। और वो यहाँ तक पहुँच गया है कि जहाँ 3 लाख हेक्टेयर में खेती होती थी पहले राजस्थान में, अब उसी राजस्थान के अंदर करीब करीब अगर मैं ठीक हूँ तो 6,64,000, यानी करीब करीब 7.25 लाख हेक्टेयर तक का रकबा पहुँच रहा है। निश्चित रूप से जब रकबा बढ़ रहा है कपास का, तो कुछ नए किसान भी
इस खेती से जुड़ रहे हैं। नए किसानों के लिए कपास की बिजाई, नरमा कपास की बिजाई कैसे करें, तैयारी कैसे करें और फसल के जो यात्रा है उसको सफल बनाने के में, यानी एक अच्छी फसल लेने के लिए क्या क्या सावधानियां, क्या क्या दवाइयां, क्या क्या चीज़ें करने की ज़रूरत होती है, उन पर हमारे दूसरे वीडियो अभी स्क्रीन पर हैं, चल रहे हैं और उन पर भी आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में उनकी मैं डिटेल भी डाल दूंगा, वो भी आप देख सकते हैं। तो राजस्थान के अंदर जैसा हमने जिक्र किया कि पिछले 5 साल में रकबा लगभग लगभग डबल हो गया है, ये खुशी की बात है। और पंजाब ने और ज़्यादा बेहतरीन काम किया है पिछले करीब करीब 2-2.5 साल में, 3 साल में इस राज्य ने यानी पंजाब ने कपास का रकबा जो करीब 3 लाख था, 3 लाख से भी कम था, 3.25 लाख के आसपास था, उसको अब ये 5 लाख हेक्टेयर से अधिक पर लेकर के आए। वहाँ पर कृषि सचिव हैं पंजाब सरकार में श्री KS पन्नू साहब, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त मेहनत की है कपास का रकबा बढ़ाने के लिए और उतनी ही स्पीड से, उतनी ही गति से, उतनी ही रफ्तार से वहाँ पर चावल का, धान का रकबा जो है वो कम हो रहा है। बड़ी हैरानी की बात है कि करीब करीब 3 लाख हेक्टेयर में धान का रकबा इस बार कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये सरकार के, भारत सरकार के आंकड़े हैं जो 24 जुलाई को अपडेट किए गए हैं। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में कभी भी 6 लाख, 6.5 लाख, 7.5 लाख से अधिक का रकबा नरमा कपास की बिजाई का नहीं हुआ। ये पहला वर्ष है 2020-21 का जिसको हम मान रहे हैं, ये पहला है जिसमें 7,37,000 हेक्टेयर में नरमा कपास की बिजाई हुई है। ये अपने आप के अंदर एक रिकॉर्ड है। तो किसान भाइयों, इसके पीछे कारण क्या हो सकते हैं? इसके पीछे कारण दो हैं जो बड़े कारण हैं। पहला कारण ये है कि केंद्र सरकार ने पिछले साल जो भाव दिए, यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP जो घोषित किया, वो समर्थन मूल्य काफ़ी अट्रैक्टिव था, 5500 रुपये के आसपास था पिछले साल। जो लंबी लेंथ स्टेपल जिसका अच्छा हो, स्टेप लॉन्ग स्टेपल का जिसको हम कपास कहते हैं, उसे अच्छी क्वालिटी का, उसको 5500 रुपये के आसपास उसका भाव मिला, 5450 रुपये। और इस बार फसल की बिजाई होने से पहले ही सरकार ने उसमें 5% और बढ़ोतरी कर दी, यानी लॉन्ग स्टेपल का जो रेट है वो 5825 रुपये और मिडल जो स्टेपल है उसके लिए 5515 रुपये। तो किसान भाइयों, इस तरह का एक सुरक्षित भाव, एक सुनिश्चित और सुरक्षित भाव जब किसान को मिलने लगेगा, MSP पर आपकी जो भारतीय कपास संस्थान है, CCI जिसको कहते हैं, कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, उसने पिछले सीज़न में, यानी अभी सितंबर तक उनका सीज़न होता है, तो सितंबर अभी आने में काफ़ी टाइम है, लेकिन अब तक उन्होंने 40-42% जो कॉटन है CCI ने खरीद की है, निश्चित रूप से सरकारी रेट पर MSP पर खरीद की है। इसका फ़ायदा किसानों को मिला है और किसान इससे आकर्षित हुए। किसान आकर्षित हुए तो वो इस फसल की ओर डाइवर्ट हुए, यानी कपास की तरफ आकर्षित हुए और कपास की खेती करने लगे। कई युवा किसान भी हमारे से जुड़े हुए हैं जिन्होंने हमें अपने अनुभव साझा किए हैं, वो भी फिर किसी वीडियो में मैं आपसे के साथ शेयर करूंगा, जिन्होंने बहुत अच्छे अनुभव अपने बताए हैं कि नरमा कपास की खेती करने में उनके क्या अनुभव रहे हैं। इसी प्रकार दूसरा जो कारण है, मेन जो मुख्य कारण है, वो जैसे हरियाणा का हम एग्जाम्पल लें, जैसे पंजाब का एग्जाम्पल लें, यहाँ पर जो सिंचाई पानी है या धरती के भीतर का जो जल स्तर है, भूमि का जो अंदर का जल स्तर है, वो निरंतर घट रहा है। कारण धान की फसल का बड़ा मेजर कारण मानते हैं। तो जैसे पंजाब सरकार ने काम किया पिछले 3-4 सालों में, धान की फसल का रकबा घटा करके और कपास की तरफ डाइवर्ट किया है। इसी तरह हरियाणा सरकार ने भी इस बार मेरी फसल मेरा पानी नामक एक योजना चला करके लोगों को, किसानों को धान से थोड़ा सा डाइवर्ट करके और कपास की तरफ या बाजरे की तरफ या मक्के की तरफ डाइवर्ट करने का प्रयास किया, जिससे निश्चित रूप से कपास का रकबा तो कुछ बढ़ा है, यानी 9% के आसपास हरियाणा में कपास का रकबा बढ़ गया। जैसा मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि राजस्थान में भी रकबा बढ़ा है। तो ये जो दो बड़े कारण हैं, एक तो पानी का जो बचत है वो किसान ने सोच लिया है कि अगर हम अब पानी की बचत नहीं करेंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए न खेती संभव होगी न जीवन संभव होगा, इसलिए पानी बचाने के लिए
और MSP अच्छा मिल रहा है, इस कारण से, दोनों कारण से आपको ये नरमा और कपास की तरफ खेती का रुझान बढ़ रहा है। तो जैसा कि MSP सरकार ने घोषित किया है 5825 रुपये लॉन्ग स्टेपल का और मिडल स्टेपल का 5515 रुपये, तो इन दोनों का भाव जो आगे अभी अक्टूबर में जो नई परिचय शुरू होगी, सितंबर के बाद जो नई फसल आएगी, तो किसानों को ये भाव मिलेगा और निश्चित रूप से कम कटौती नहीं होगी और बाज़ार में भी, अगर खुले बाज़ार में भी किसान को अपना कपास नरमा उत्पादन बेचना पड़ता है तो इसके आसपास ही कोई 100-200 रुपये का अंतर बेशक पड़ सकता है, इससे ज़्यादा नीचे गिरावट की संभावना नहीं रहेगी। इसलिए किसान को मजबूती के साथ अपनी फसल की तैयारी और अपनी फसल की पूरी यात्रा सफल बनाने में, कामयाब करने में अपनी पूरी मेहनत से काम करना चाहिए, जैसे कि वो पहले करते आए हैं। और निश्चित रूप से ऐसा लग रहा है कि इस बार कपास की फसल भी अच्छी होगी और किसानों को भाव भी अच्छा मिलेगा, तो आने वाला जो इसका कॉटन के जो परचेज के आसपास एक बड़ा त्यौहार आता है भारत में, जिसे हम दीपावली कहते हैं, तो दीपावली अवश्य जगमग होगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।